हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो फिनफ्लिट। आज के समय में हर कोई करोड़पति बनना चाहते हैं, लोग इसके लिए कई जगहों पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर स्टूडेंट, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ये इन्वेस्टमेंट खास करके स्टूडेंट के लिए ही है, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ ही सालों में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें अपनी पॉकेट मनी से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इन टॉपिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है आरडी, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट। आजकल कई लोग एफडी और आरडी में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर हम एफडी की बात करें तो सभी बोलते हैं एफडी में पैसा लगाओ, वहाँ पर पैसा सेफ रहता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एफडी में हमें एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। आप चाहें तो यहाँ पे 20,000, 50,000, 1,00,000 या 5,00,000 रुपये एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं, हम इतने पैसे एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए एफडी में पैसा लगाना एक स्टूडेंट के लिए शायद सही नहीं हो। लेकिन अगर हम आरडी की बात करें तो हम यहाँ पे मिनिमम अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने पॉकेट मनी से 1,000 रुपये बचा कर आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैंक इस तरह हर महीने आपके सेविंग अकाउंट से 1,000 रुपये निकाल कर आरडी में इन्वेस्ट करता रहेगा। आरडी की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होती है। वहीं इसकी करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये 5.8% है। सोचिए, अगर आप हर महीने 1,000 रुपये आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल की मेच्योरिटी पीरियड के बाद आपको 10 साल बाद 1,62,643 रुपये मिलेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है आपका अमाउंट कितना ज़्यादा बढ़ेगा और घटेगा। जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सेकेंड है ई गोल्ड। जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि अभी तो हम स्टूडेंट हैं, हम कहाँ से पैसे लाएंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए हम फिजिकल गोल्ड परचेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम डिजिटल गोल्ड तो परचेज कर ही सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अमाउंट के साथ खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मात्र 100 रुपये से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। आप 100 रुपये में डिजिटल गोल्ड खरीद भी सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर महीने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके आप अपने डिजिटल गोल्ड को भी बढ़ा सकते हैं। और अब इस तरह अपनी डिजिटल गोल्ड की मात्रा भी बढ़ती रहेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी आपको लगेगा कि आपकी डिजिटल गोल्ड की मात्रा आपके पास ठीक ठाक हो गई है तो आप इसे फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस गोल्ड को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ई गोल्ड कई तरह के होते हैं। फर्स्ट है डिजिटल गोल्ड, सेकेंड गोल्ड ETF, थर्ड सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कम पैसों में भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। थर्ड है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के जरिए आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। जैसे ही आप किसी कंपनी को शेयर को खरीदते हैं आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान यहाँ पे देना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा डूब भी सकता है और कई गुना भी हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप रिसर्च कर लें। ज़्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है और उसे अच्छा प्रॉफिट मिला है, इसलिए मैं भी इस शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। आप केवल उन कंपनियों को शेयर खरीदिएगा जिन कंपनियों पर आपको अच्छा भरोसा है और वो कंपनी अच्छा काम कर रही है और उन कंपनियों का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। इन सारी चीज़ों को परख कर ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बेहद ज़रूरी है। इसके बिना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के कहाँ खुलवा लें। फोर्थ है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि आप इसमें 500 रुपये महीने से भी अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में एक बात जरूर आता है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। ऐसा सुनते ही हम सभी को लगता है कि शायद इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होगा, इसमें हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं, आप यंग हैं,
तो आप इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप कैलकुलेटेड रिस्क और अच्छी रिसर्च के बाद अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 15% तक रिटर्न जेनरेट कर सकते हैं या शायद इससे भी ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आपका पैसा कंपाउंड होते रहेगा और आप धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। फिफ्थ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं पहले आपको ये बताते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट को कोई नए प्रोजेक्ट्स या कई योजनाएं शुरू करती हैं तो उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए वो बॉन्ड इशू करते हैं। इन बॉन्ड की दो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पहला, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। इन बॉन्ड को जारी करने का कोई फिक्स समय या कोई फिक्स डेट नहीं होता है, सरकार इसको कभी भी इशू कर सकते हैं। इन बॉन्ड की मेच्योरिटी पीरियड काफ़ी लंबी होती है, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स 15 ईयर्स। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बॉन्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। इन बॉन्ड की प्राइस भी बहुत ही कम होती है और ये अच्छे रिटर्न भी देती है, इसलिए अगर आप कम टाइम में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप इन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो कि स्टूडेंट को हेल्प करेगी उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने में। तो आप इन तरीके से कम पैसे में अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आप भी अगर एक स्टूडेंट हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक स्कीम में या पाँचों स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की ऐसे ही एक नई वीडियो में।